कौन व्यक्ति वोट दे रहे हैं इस बार? हम हाथी छाप। हाथी छाप दीजिएगा? बस बस भैया, हाथी छाप को हम भी चाह रहे हैं। कहाँ हाथी छाप को छा रहे हैं? बस ऐसे ही हमारे गांव का लोग सपोर्ट दे रहे हो तो हम थोड़ी ना अकेले विपक्ष पार्टी में जाएंगे। क्या लगता है सर इस बार? इस बार भी तो लगता है कि सर बक्सर से तो बच्चा प्रत्याशी निकलेगा। इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है कि चानस तो ठीक है। चानस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, दनीश पत के साथ मैं नरेंद्र बसंत स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, अभी जो है हम मिल्की गांव में स्थित हैं, जो कि राजपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और मिल्की जो है एक विशेष नाम के लिए जाना जाता है। यहां का जो है जो संतोष कुमार निराला जी हैं, उनका घर यहीं पड़ता है और उनसे हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए, लेकिन मंत्री जी यहाँ पर नहीं मिले। उनके भाई यहाँ पर हमसे मुलाकात किए और इनके भाई से जानते हैं क्या कुछ कहते हैं मंत्री जी के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार राम। अशोक कुमार, इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है कि चानस तो ठीक है। चानस ठीक है? कैसे लग रहा है कि चानस ठीक है? लोग कह रहा है, घूम के आते हैं तो बताते हैं। लोग कह रहा है, अभी हम ही घूम कर आ रहे हैं, बगल में खड़ा ही है, ठीक ना? वहाँ पूरा नली गली की समस्या है, सड़क का नहीं बना है, जहाँ जनता पूरा आक्रोश में है, व्याप्त है, कह रही कि इस बार रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अपोजिट मिल गया। क्या लिख लगा, सही बात है उन लोग का? अब तो देखो जनता का ऊपर है ना, जनता देगा तो जीत जाएगा, नहीं देगा तो नहीं जीतेगा। काम हुआ है? काम हुआ है जी। कहाँ कहाँ काम हुआ है? उतना तो अच्छा काम नहीं हुआ है, किधर ज़्यादा काम हुआ आपके अनुसार? अब एजे से हम बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? मंत्री जी के भाई हैं, बता नहीं सकते हैं। जो घूमते हैं वो बताएंगे, उसका जनता बताएंगे। आप नहीं घूमते हैं? नहीं, हम नहीं घूमते। आप कहाँ रहते हैं? द्वार पर रहते हैं। द्वार पर रहते हैं। ये मिल्की गांव जो है किस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है? बक्सर। बक्सर में पड़ता है। तो बक्सर से दो गो प्रत्याशी है खड़ा, ये हैं तिवारी जी हैं और फिर चतुर्वेदी जी हैं जी। क्या लगता है आपको? परशुराम चतुर्वेदी जी हैं, संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी जी हैं। कौन व्यक्ति का चांस लगता है उसमें से? उसको तो मुन्ना का ठीक है। मुन्ना का ठीक है? कहाँ मुन्ना का ठीक है? ठीक है ना, काम किया है मुन्ना तिवारी, काम किया है जी, और कोई काम नहीं किया है? नहीं। ये जो आप दर्शकों को चाहेंगे, कैमरा मैन को जरा तस्वीरें दिखाइए, ये जो नली बनी है ये कौन बनवाया है? मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी बनाए, इसीलिए लगता है इस बार कि मुन्ना तिवारी जीत जाएंगे ना? जीत जाएंगे। संतोष निराला जी, आप तो उधर का क्षेत्र बताएगा, लोग बताएगा, उधर का लोग बताएंगे, फिर भी आपको क्या लगता है? हम लोग का क्या लगता है, हम लोग घूमते हैं कि देखते हैं। अच्छा, एक बार फिर से नाम बताइए अपना। अशोक कुमार राम जी। अभी आप संतोष कुमार निराला के भाई को सुन रहे थे, संतोष कुमार राम जी, और ये कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए हमको राजनीति की उतनी समझ नहीं है, फिर यहाँ के लोगों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमने कहते चाहते हैं बहुजन के बन हो, बहुजन के बन जाए। हाँ, लेकिन केहू बना ही वाला नहीं खे, क्यों बना वाला का करामा के नीखे बनत? अब का करामा बाब, लोग नहीं चाहत, लोग नहीं चाहत। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? अरे मेरा नाम पवन कुमार है। अब मिल्की कहाँ रहने वाले हैं? हाँ हाँ, ये संतोष कुमार निराला जी का ये घर है, यहाँ पर पड़ता है। हाँ, हाँ। क्या लगता है आपको? हमारे बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं, चांस है इस बार उनका? हाँ चांस है, लेकिन ये मिल्की बताया जा रहा है कि बक्सर विधानसभा में पड़ता है। हाँ, तो बक्सर विधानसभा से कौन लग रहा है कि आपको निकाल लेगा? ठीक है, बक्सर विधानसभा से हम बहुजन के हैं तो हम बहुजन को बता सकते हैं। बहुजन को बताइए, तो कौन व्यक्ति वोट दे रहे हैं इस बार? हम हाथी छाप। हाथी छाप दीजिएगा? अच्छा, आप किसको चाह रहे हैं? बस बस भैया, हाथी छाप को हम भी चाह रहे हैं। कहाँ हाथी छाप को चाह रहे हैं? बस ऐसे ही हमारे गांव का लोग सपोर्ट दे रहे हो तो हम थोड़ी ना अकेले विपक्ष पार्टी में जाएंगे। अच्छा, गांव का सपोर्ट कर रहा है, कहाँ सपोर्ट कर रहा है? सब सब अच्छा काम करेगा तो जरूर सपोर्ट करेगा। अच्छा काम कर रहा है इसलिए। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? राजा बाबू नाम है हमारा। मिल्की गाँव के ही जो है एक और ग्रामीण है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर इस बार? इस बार भी तो लगता है कि सर बक्सर से तो भाजपा प्रत्याशी निकलेगा। भाजपा प्रत्याशी? भाजपा प्रत्याशी कौन है मालूम है आपको? परशुराम चौबे। परशुराम चतुर्वेदी जी, क्यों लगता है आपको? ये समीकरण यहाँ का बता रहा है। कैसे समीकरण बता रहा है? घूमने को वजह से बता जा रहा है। घूमने से काम कौन किया है? काम सदर विधायक मुन्ना तिवारी काम नहीं किया है? नहीं किए हैं। बताया जा रहा है, कैमरा मैन को चाहेंगे कि आप पीछे जो देखिए नली गली जो है बना हुआ, बताया जा रहा है कि ये जो है विधायक जो है मुन्ना तिवारी जी के ही अनुस में बना है। बना होगा? हाँ,
पाँच साल में काम कर दिए हो गया, पाँच साल में काम कर दिया और कुछ काम नहीं किया है? नहीं किया है। यहाँ पर सब बताया जाए कि सब नली गली है, सड़क सब एकदम परिपक्व हो गया है, पक्कीकरण हो गया है। तो हुआ है तो मंत्री के माध्यम से हुआ है, उनके माध्यम से नहीं हुआ है। मंत्री के माध्यम से? कौन से मंत्री के माध्यम से? संतोष कुमार निराला के माध्यम से। संतोष कुमार निराला जी के हैं? तो संतोष निराला जी का इस बार हाल चाल है विधानसभा में? उधर से तो अभी जीती रहे हैं, अभी जीती रहे हैं। अभी बगल में खकड़ी गांव वहाँ पर गए थे, काफ़ी जनता में आक्रोश व्याप्त है, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो उनको दिखाना है हमें। वो तो एसी बस्ती में लोग कह रहे हैं, लेकिन अदर बस्ती में जाकर देखिए। समझना पड़ेगा ना फिर क्यों कह रहे हैं। एसी बस्ती उनसे नाराज है। क्यों नाराज है, क्या लगता है आपको? काम नहीं किया तभी ना। एसी बस्ती से नाराज है हमको। तो नाराजगी के कारण क्या है? अब हम थोड़ी ना बता पाएंगे क्या कारण। नाराजगी के कारण ये है, हम जब वहाँ प्रतिक्रिया ले तो नली गली की बहुत बड़ी समस्या है, पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी व्याप्त है और बताया जा रहा है कुछ काम भी नहीं किए हैं संतोष निराला जी। कोई ऐसा नहीं नेता है कि एक बार में जो सोचेगा कि पूरा विधानसभा का क्लियर कर देता, बस की बात नहीं है। कोई भी नेता आएगा तो दूर रहेगा तब करेगा, कोई भी नेता नहीं कर नहीं पाएगा, टाइम लगेगा उसको करने में, थोड़ा थोड़ा करेगा लेकिन करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा। तो इस बार आप चतुर्वेदी जी को जिता रहे हैं, परशुराम जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं? हाँ, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। चलिए एक बार फिर से नाम आपका जानना चाहेंगे। शंभू कुमार राम। शंभू कुमार राम जी, बहुजन का सपोर्ट नहीं करेंगे आप तो चमार मालूम पड़ते हैं जी। हम तो चमार है ये है, लेकिन हम घूमते हैं उसी के साथ में, उसी के साथ घूमते हैं, इसीलिए उसी को वोट देते हैं। हम वोट दे चाहे ना दे, वोट की बात तो नहीं रहेगी, जितने यहाँ समीकरण की बता रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं। बक्सर विधानसभा से उनका सीट क्लियर है, बक्सर विधानसभा। राज्य स्तर पर किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभी तो लगता है कि अभी नीतीश कुमार बनेंगे। कहा नीतीश जी का लग रहा है? काम किए हैं, काम किए हैं, काम के आधार पर। क्या काम किए? बहुत से काम किए। जैसे मैं देखिए, जो मुख्यमंत्री का जो योजना चलाए हुए हैं, जैसे 10 लाख का लोन वाला, इससे लगता है, और बहुत से काम किए हैं, कितना उनका विवरण बताया जाए। और गरीब के हित में भी एक दो ठो काम किया है, इसीलिए नीतीश कुमार को यहाँ पर जिताना चाहेंगे, वही मुख्यमंत्री बने। सब कह रहा है कि हम तेजस्वी को जिताएंगे, कहाँ तक इस पर सहमत हैं? नहीं निकलेंगे, नहीं निकल, कहाँ है, नहीं निकल पाएंगे। क्या कारण नहीं निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे ना। तो कुछ कारण बताइए। कारण वही है कि गुंडागर्दी चालू होगा, दारू चालू होगा। तो अभी दारू बंद है और हम देख रहे हैं कि दारू पहले से ज्यादा मिल रहा है और हाई रेट पर मिल रहा है। रोड पर छिनैती चालू होगा, रोड पर तो अभी भी तो हो रहा है, रेप बलात्कार हो रहा है, छिनैती भी हो रहा है, कहाँ कम हुआ है? जो समय लालू में हो रहा था उस समय आज नहीं हो रहा है। आज 12 बजे रात को संतुष्ट होकर हम लोग चल रहे हैं, उस समय नहीं चल पाएंगे। जनता कह रही कि लालू के शासनकाल जब था तो हम लोग जो है बिल्कुल डरते नहीं थे, निडर थे एकदम, क्यों ना जातिवाद की समस्या ही खत्म कर दिए थे लालू यादव। न तो लालू यादव गुंडागर्दी ज्यादा था उनके सरकार में, गुंडागर्दी था नीतीश जी की सरकार में नहीं है? नहीं है। आपको लगता है नहीं है? नहीं है, इसलिए वो नहीं जीतेंगे। इसलिए वो जो है कि मानते हैं बिहार से पूर्णतः दारू बंद हो गया है? दारू बंद नहीं है, 100% अंदर से चालू है, अंदर से चालू है, ऊपर से दिखावा में है कि बंद है। इससे है कि जो कि चालू है, अब तो बताइए दे कि जो कि परिपूर्ण रूप से चाहेंगे कोई भी सरकार का हम ये काम कर पाए तो नहीं, बस की बात है, किसी की भी सरकार आएगा तो। इंटरनल रूप से दारू मिल रहा है, दारू मिल, फिर नीतीश कुमार जीतेंगे? जीतेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेंगे। चलिए आपको बता दें कि जो महिला का ये जो हम आंगन में बात कर रहे हैं इस महिला के, और ये जो घर है, इस घर के जस्ट एकदम नज़दीक में जो है संतोष कुमार निराला जी का जो है घर है, उनके घर में कि इतने नज़दीक इस महिला और गरीब परिवार का है कि इसको राशन नहीं मिलता है। और वाकई में जब यहाँ पर आए तो देखे कि महिला थी जो कि केवल जो है चावल था और उसमें किसी तरीके से नमक लपेट कर खा रही थी। तो मंत्री जी के ये गांव हटे, मंत्री जी कुछ निखन कर किचू ना कर कारण मनिखन कर किचू ना कर हमी के अपन अपन बनावत घर लेतन जमीन लेतन कुल लेतन हमी के ना कल बना किचू का बनौले बनन हमी के किचू नहीं बनौले बहस नहीं के ना करे के हमारे बनैबे ना कैलन आ हम बहस खूब करी ना हमारे बहस नहीं के करे के हमारे के बनवल ही नहीं कर तो हम बहस कैसे करी। वाकई में दर्शकों ये जो है उन लोगों के चेहरे पर तमाचा के समान होगा जो कि मंत्री होने के बावजूद भी जो है एक घर के बगल की समस्या की जो है दूर नहीं कर सकते हैं। तो उनसे क्या उम्मीद रखी जाए कि वो किसी अन्य व्यक्ति की जो है और किसी अन्य गाँव के लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिलहाल एक बुजुर्ग हैं, चाचा जी थोड़ा इधर आ जाइए।
अब बता रहे हैं कि हमारा जब लड़का का पैर टूट गया था कुछ गठिया उठिया बता रहे हैं तो हम ही कमाए, अब कमाने लायक तो नहीं है, फिर कैसे काम क्या करेंगे? वही करे, अब केहू तर जियाना है, हम लोग का बाल बच्चा जन्मे है। तो लोग कौन सा काम करते हैं? हम लोग मजूरी वजूरी करते हैं, किसी को मिल जाता तो समय से मजदूरी मिल जाला? नहीं, सभी समय से नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो अब कैसे खर्चा पानी वही तरह कर लेते हैं हम लोग, कहियो नमक भात खाते हैं। आज क्या बना ला राउर घरे? सूखे भात पके। सही बात कहा, सही बात कहा। नाम बताइए अपन? हमार प्रेमधारी। प्रेमधारी? हाँ। रउआ प्रेमधारी के सुनत नहीं है, कहत नहीं कि हम कहीं कि का आज बनल बात यहाँ, कहत नहीं कि रउआ देख सकत नहीं कि का बनल बा, जाके कहत नहीं कि बड़ा केवल चावल बनल बा और कुछ नहीं बनल। तो कहने की कितना जमीनी स्तर पर यहाँ के बात करत नहीं, कहीं नेता ने तैयो फेंकत नहीं रहा, लेकिन जनता है, जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। बाकी हम चाहेंगे कि देखिए कैमरा मैन को चाहेंगे देखिए, दिखाइए तस्वीरें, देखिए केवल चावल बना है जो है खांडी में, और बाकी आप देख सकते हैं कि सब्जी वब्जी जो है नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है डब्बा है, इसमें देखिए ये डब्बा जो है जितना पुराना हो गया है, हम समझते हैं कि इसमें कोई को सरकार बदली होगी। अब आपको दिखाते हैं भी डब्बा, इसमें क्या है अदी चाची, इसमें क्या है? भैया मसाला तो डलाला धराला मसाला, मसाला गरीब आदमी तो जेवने में धरी तेवने में ना, गरीब आदमी हमनी के का बा भैया, किचो नहीं के करज कारी के तो दवाई बहिए ले ले आवत तनी कर्ज करनी। कर्ज का कर्ज मिल जाला? अब का है सूद पर मिला था 10 रुपया सायकार पर लिया होता, 100 रुपया सायकार लिया बनी सूद पर का दवाई, अब ही दवाई दिखा देता नहीं रहुआ के। ना ना ठीक बा, ठीक बा। आ ई बताई चाची जी, हाई हाई सब मरचा लागल बा, कैमरा मैन को चाहेंगे थोड़ा आप आइए दिखाइए ये क्या कर रहे हैं? ये सब पीछ कर खैनी हजार यानी कुल मिलाकर दर्शकों हम कहेंगे कि जिस तरीके से आज देश में जो है बड़े बड़े नेता जो ताल ठोक रहे हैं, और हम इस बात को कहें कि आज़ादी के 74 साल हो गए हैं, और आज़ादी के 74 साल के बाद जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, देखिए आप देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। जब हम आए थे तो लोग खा रहे थे, आप देख सकते हैं थाली में क्या है। बिल्कुल जो नेता बड़े बड़े दावे करते हैं जमीनी स्तर पर, चावल कितनी मोटाई होगी आप देख सकते हैं कि चावल इतना मोटा मोटा है कि आप खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं ये जो खाने पर विवश हैं, ये कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या कही जाएगी।